दोस्तों, जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि गैलेक्सी J5 2016 को नोगट पे एंड्रॉइड 7.1.1 और एक्सपीरियंस यूआई 8.5 मिला है। इस वीडियो में हम नोगट एंड्रॉइड 7.1.1 को इंस्टॉल करेंगे, जो OTA अपडेट के थ्रू आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं 1165.34 MB का अपडेट है। तो यहाँ मैं तो इस वीडियो को शुरू कर, तो आप देख सकते हैं जैसे कि चेंज लॉग में लिखा है कि एंड्रॉइड 7.1.1 मिला है, कुछ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स बग्स को फिक्स किया गया है इस J5 2016 के नोगट अपडेट में। तो चलिए हम लोग एक बार सेटिंग्स में देखते हैं कि इसमें कौन सा सिक्योरिटी पैच अपडेट है। तो बात करें सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो इसमें आपको May 1 2017 का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलता है। एंड्रॉइड 6.0.1 मार्शमैलो आपको देखने को मिलता है। अब इसको 1119 MB का एक अपडेट है जिसमें एंड्रॉइड 7.1.1 है। तो अगर आपको नहीं मालूम है अपडेट आया, तो आप जाके अपडेट में जाके चेक कीजिए और इसको इंस्टॉल कीजिए। प्रिकॉशंस में आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि 50% से ज़्यादा आपकी बैटरी होनी चाहिए और 25 to 30-40 मिनट्स आपको लग जाते हैं इस अपडेट को इंस्टॉल करने में। तो हमने अपडेट इंस्टॉल पे क्लिक किया है। अब इधर आया है प्लीज वेट, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो अभी एंड्रॉइड सिस्टम अपग्रेड हो रहा है और डिवाइस रिबूट हो गया है, और अब गैलेक्सी J5 2016 पावर्ड बाय एंड्रॉइड अब बूट हुआ है। तो अब होने वाला है इसका मेजर एंड्रॉइड अपडेट का इंस्टॉलेशन। तो इसमें कुछ मुझे लगे हैं 25 to 35 मिनट्स लगे हैं मुझे J5 2016 में। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब बहुत प्रिकॉशंस मैंने जैसे मैं आपको बताया 25 to 30 मिनट्स लगे थे, बहुत ओवरहीट हो गया था डिवाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हो चुका है 92% इंस्टॉलिंग सिस्टम अपडेट। बहुत टाइम लगता है एक एंड्रॉयड मेजर अपडेट को इंस्टॉल होने में। तो डिवाइस बूट हो गया है, अब होने वाला है डिवाइस अभी एक्चुअली बूट हो गया है, अभी होने वाला है ऑप्टिमाइजेशन होने वाला है। मैं आपको इसमें बता रहा हूँ ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या। जब भी कोई मेजर एंड्रॉयड ओएस अपग्रेड होता है या कोई भी एंड्रॉयड अपडेट होता है, तो उसकी जो एप्लीकेशंस होती है हमको उस अपडेट के साथ उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, जैसे कि परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं हो, कोई बग नहीं हो। तो जैसे आप देख सकते हैं अपडेट ऑप्टिमाइजिंग हो रही है, हर एक एप्लीकेशन का ऑप्टिमाइजेशन होता है, जैसे कि हर एप्लीकेशन उस एंड्रॉयड अपडेट के साथ अच्छे परफॉर्मेंस में चले। तो इसके लिए ऑप्टिमाइजेशन हमको करने पड़ता है, क्योंकि एक मेजर एंड्रॉयड अपडेट है, नोगट के साथ एप्लीकेशंस परफॉर्मेंस में चलनी चाहिए। इसके लिए ये अपग्रेडिंग ऐप हमेशा हम लोग देखते हैं, कोई भी अगर छोटा भी अपडेट होता है, छोटा OTA अपडेट या सिक्योरिटी पैच अपडेट या मेजर ओएस अपडेट में ऐसे ऑप्टिमाइजेशन होता रहता है। ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ब्राइटनेस कम हो गई ऑटोमेटिक डिवाइस की, और डिवाइस कुछ ऑन होने वाला है अभी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डिवाइस ऑन हो चुका है, और डिवाइस में कुछ चेंजेस तो बहुत नज़र आ रही हैं ऊपर से, देख आप खुद ही देख सकते हैं। और आपको एक्सपीरियंस UI मिल जाता है आप इधर एसेट के जैसा, आप खुद ही देख सकते हैं इधर। चलिए सेटिंग्स में जाते हैं और देखते हैं अगस्त का सिक्योरिटी पैच अपडेट है या अक्टूबर का, तो होगा नहीं मुझे नहीं लगता है, सेप्टेम्बर का ही शायद होने वाला है। जैसे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन बार में चेंजेस है, वाईफाई कॉलिंग, ये सब फिनिशिंग एंड्रॉइड अपडेट ऊपर से मिलता है। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं कि सेटिंग्स के मेन्यू में आपको क्या मिलता है। तो अगर हम लोग अबाउट फोन में जाते हैं, तो आपको इधर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाते हैं, तो इधर आपको एंड्रॉइड 7.1.1 मिलता है और एक्सपीरियंस UI 8.5 इधर देखने को आपको इधर मिलता है। और आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 7.1.1 मिल रहा है। तो यही कुछ था आज का वीडियो, इंस्टॉलेशन वीडियो था। फीचर्स के ऊपर जल्दी वीडियो आने वाला है, इसमें बहुत से फीचर्स आए हैं। एसक्लीन जैसे भी फीचर आया है, सैमसंग क्लाउड है, तो उस पर बहुत अगस्त का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, फीचर्स की वीडियो भी आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसे आपको एंड्रॉइड टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स और सैमसंग की न्यूज़ मिलती रहेंगी।